हे गाइस वेलकम बैक आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा विंटर मेकअप हैक्स और टिप्स लेके आई हूँ बहुत सारे न्यू टिप्स हैं सो इफ यू वांट टू सी प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग सबसे पहले हम लोग करेंगे स्किन केयर उसके लिए आप कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर लो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं आप लैक में पीच वाला भी यूज़ कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो यूज़ द पोन्स मॉइस्चराइजर ये दोनों काफ़ी हाइड्रेटिंग है और स्किन यू नो काफ़ी हेल्दी रहेगा आप टपलाएँगे मॉइस्चराइजर अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइज़र आप लगाइएगा ताकि मेकअप करने के बाद स्किन ड्राई फील बिल्कुल ना करे मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा उसके बाद नाउ दिस इज़ अ वेरी नाइस टिप इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग अ प्राइमर मैं क्या करती हूँ बेबी ऑयल का जस्ट दो ड्रॉप लेती हूँ और इसको अपने फेस में लगाती हूँ क्योंकि सम हाउ यू नो दिस सीज़न मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई हो रहा है तो मैंने क्या किया है बेबी ऑयल लिया है और उसको मैं अपने स्किन में लगा के दो मिनट के लिए छोड़ दूँ ओके दिस इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते हो आप मेबलिन का ये वाला प्राइमर ट्राई कर सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग और बहुत अच्छा काम करता है स्किन में फॉर फाउंडेशन मैंने आप मेबलिन का यूज़ किया है ना विंटर में जब आप फाउंडेशन सेलेक्ट करो मेक श्योर sure वो लिक्विड फाउंडेशन होना चाहिए डू नॉट गो फॉर लाइक मैट टाइप ऑफ फाउंडेशन जितना आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करोगे उतना बेटर होगा ज़्यादा मैट अगर आप यूज़ करने जाओगे स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील करेगा तो मैंने मेबलिन फिटमी का ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है दिस इज़ वेरी लाइट वेट और बहुत नेचुरल लगता है स्किन पर मैंने पहले फिंगर्स उसको स्प्रेड किया है उसके बाद मैंने हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया दिस विल गिव यू अ वेरी वेरी नेचुरल लुक एंड डू नॉट लेर अप योर फाउंडेशन अगर आप सोचोगे कि इसी को दो तीन बार और लगा ले और फुल कवरेज मिल जाए बिल्कुल मत कीजिएगा नहीं तो आपका स्किन बहुत ड्राई और केकी ही हो जाएगा एक ही लेयर लगाओ कीप ए नेचुरल अच्छा दिखेगा ओके नेक्स्ट अप मैं अपना लिप मॉइस्चराइज करना भूल गई थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग विंटर्स तो मैंने थोड़ा सा वैसलीन ले लिया और मैं अपने लिप्स में इसको लगा लूंगी यूज एनी लिप बाम यू आर कंफर्टेबल विद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूज़ करेंगे कंसीलर क्योंकि ये लुक काफ़ी बिगना फ्रेंडली है मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको कैसे कैसे मेकअप करना है तो फाउंडेशन के बाद आपको यूज़ करना है कंसीलर वेरी लिटिल अमाउंट अगर uh, जो कंसीलर नहीं यूज़ करना चाहते इट्स ओके okay, आप फाउंडेशन यूज़ करके छोड़ सकते हो बट अगर आपको थोड़ा हाईलाइट चाहिए अपने स्किन में आपको हल्का सा कंसीलर लगा लेना है मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छा कवरेज देता है जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया मैक्सिमम फाइव के नीचे ही है आई थिंक हार्डली कोई होगा जो 500 के ऊपर होगा इसलिए मैंने काफ़ी अफोर्डेबल और बिगना फ्रेंडली रखा है मेकअप लुक को आप अपने कंसीलर को लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा उसके बाद मैंने यूज़ किया है वेटरन ऑयल का ये लूज पाउडर नाउ गाइज टिप विंटर में ना आप कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इंस्टेट यू कैन यूज़ येलो पाउडर्स और लूज पाउडर्स उससे ना फेस ड्राई फील नहीं करता है बट समाइम्स जब आप कॉम्पैक्ट यूज़ करोगे ना उससे जैसे ड्राई हो सकता है आपका फेस इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप कोई पाउडर यूज़ करना चाहते हो यू कैन गो फॉर लूज पाउडर्स उससे ड्राइंग होने के चांसेस कम रहते हैं ओके फॉर माई आई शेडोज आई हैव लॉड ऑप्शन अंडर पीस थ्री हंड्रेड एंड के ये काफ़ी अफोर्डेबल है अच्छे हैं और स्विस ब्यूटी का दिस इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट तो मैं ये वाला ही पैलेट यूज करूँगी इसमें से मैंने थ्री शेड्स यूज़ किए हैं वन मैट एंड टू शिमर्स विंटर में खासकर मैं अपना आई लुक काफ़ी सटल और लाइट रखती हूँ मैं ज़्यादातर लाइट कलर्स ही यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग विंटर्स तो वो अच्छे लगते हैं आप मैट कलर कोई भी एक पिक करो और पूरे आई में उसको अच्छे से ब्लेंड कर दो ब्रश के हेल्प से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लो और ब्लेंड कर लो सेम कलर को आपको अपने लोअर लेड पर भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आ, मेरा ये जो कलर इट्स लाइक लाइट पीच पिंक टाइप का कलर है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यू नो आई में लगाने के बाद उसके बाद मैंने डार्क शिमर शेड लिया है और ब्रश के हेल्प से मैं उसको जस्ट मिडिल लिड में लगा रही हूँ अगर आपको थोड़ा हेवी लुक में जाना है तो आप चाहे तो गोल्ड कलर लेके मिडिल मिडिलेड में लगा सकते हैं सिल्वर कलर मैंने यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा डार्क शेड लगाया है मिडिल लेड में उसके बाद जो लाइट शेड है वो मैंने इनर कॉर्नर्स में लगाया है नाउ द टिप इज जिसका होडेड आइज़ है इनर कॉर्नर को ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा उससे आइज बड़ा लगेगा ना उसके बाद मैंने यूज़ किया मेब्रीन का ये लाइनर और मैंने हल्का सा विंग लाइनर क्रिएट किया है मैंने एक एक स्टेप दिखाया है इसमें आई लाइनर लगाते हुए भी दिखाया ताकि जो बिगनर हैं अगर जब आप मेकअप करो या विंग लाइनर बनाओ आपके लिए उतना ही ईजी रहेगा आपको धीरे करके क्रिएट करना है और फिर जो आईलाइनर है उसको अंदर की तरफ ले जाना जैसे कि मैं लगा लगा रही हूं। Tip, now, अगर आप liquid liner नहीं लगा पाते हो बिगिनर तो आपको क्या करना है कोई भी मैट ब्लैक शेडो ले लो और उसमें एंगल ब्रश की हेल्प से आप क्रिएट करके यू नो आईलाइनर क्रिएट कर सकते हो तो वो भी काफी अच्छा लगता है तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्यूटिफुल लाइनर क्रिएट कर लिया है जस्ट यूजिंग माय आई इसके ऊपर मैं शेडो नहीं लगा रही हूँ मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था और ये लाइनर बहुत अच्छा लुक दे देता लगाने के बाद उसके बाद मैंने मामा अर्थ का काजल लिया है विच इज़ जस्ट रुपीजी टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी काफ़ी अफोर्डेबल है बट एकदम जेट ब्लैक है और वाटरप्रूफ है तो मैंने इसको अपर लेट पे लगाया लोअर लेट पे मैं नहीं लगा रही हूँ फिर आप अपने लैशेस को कर्ल कर लो और आप मस्कारा लगा लो आप चाहे तो लुक यहीं पे छोड़ सकते हो मस्कारा लगाने के बाद बट अगर आप कंफर्टेबल हो आप फेक लैशेस लगा सकते हो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं फेक लैशेज लगाती हूँ तो मैंने मस्कारा अपने अपर लैशेज में भी लगाया है और लोअर लैशेज में भी लगाया टिप जब आप लोअल आशेज में मस्कारा लगाओगे ना तो आप नोटिस करना काजल का ज़रूरत नहीं पड़ता एक हल्का इफेक्ट लगता है वहाँ पे कि जैसे स्मोकी काजल जैसा लगा हुआ है और अच्छा लगता है नाउ गाइज उसके बाद मैंने अपना आई को फिल किया है वेरी नेचुरली फिल किया जहाँ गैप्स थे उसी को फिल किया और मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का पेंसिल यूज़ किया इन द शेड ग्रे आ, ये काफ़ी अच्छा लगता है इंडियन स्किन टोन पर तो मैंने ये वाला कलर यूज़ किया है और अपने आई को अच्छे से ग्रूम कर लिया है ये काफ़ी अफोर्डेबल पेंसिल है बट बहुत अच्छा काम करता है ये आपको अंडर हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा उसके बाद आपने ब्राउज को अच्छे से ग्रूम कर लो फिर मैंने अपना फेक लाशेज लगा लिया है जो कि काफ़ी नेचुरल है जो भी फेक लैशेज़ आप लगाओ नेचुरल लगाओगे तो अच्छा लगेगा उसके बाद फॉर माई मैं चीक्स मैंने यहाँ लिपटेंट ले लिया है और मैं उसी को ही अपने चीक्स में लगाऊंगी डू नॉट गो फॉर पाउडर ब्लाशेज गाइस विंटर में हमेशा आप लिक्विड लिप टेंट या चिक टेंट लगाओगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा फिर मैंने शिवानास का हाईलाइटर यूज़ किया बहुत हल्का सा हाईलाइट किया मैंने अपने यू नो you know, चीक बोन्स को मैंने कोई ब्राउनजिंग नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसे ही लुक अच्छा लग रहा था अगर आपको अपने फेस को थोड़ा स्कल्प दिखाना है तो आप कॉन्टोरिंग यूज़ कर सकते हो यू कैन गो फॉर एनी लिक्विड कॉन्टोर बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है विंटर्स में मैं कंटोरिंग बहुत कम करती हूँ फिर मैंने अपने ब्राउ बोन को भी अच्छे से हाईलाइट कर लिया है यूजिंग द सेम शवाना हाईलाइटर फिर मैंने एन वाई बे का शक्ति लिपस्टिक यूज़ किया है दो शेड्स मिला के ये वाला शेड आया है तो ये शेड काफ़ी अच्छा लग रहा था लिप यू नो लिप्स पे और इट वॉज गोइंग विद माई मेकअप लुक विद माई ड्रेस तो अच्छा लग रहा था दैट सेट फॉर द मेकअप गाइज विंटर में आप इस टाइप का सेटल लुक करोगे काफी अच्छा लगेगा मेरा टॉप भी आप देख सकते हो थोड़ा ग्रीन टाइप में ये मैंने ओनली से लिया ये टॉप और यू कैन प्ले विथ एनी कलर्स जो भी आपको अच्छा लगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा डू लाइक एंड सब्सक्राइब बाय